चांद का ये चांद भी क्या दिल नवाज है, ये चांद है के दावत रोजा नमाज है। इस चांद पर खुदा की इनायत है मोमिनो, इस चांद से नबी को मोहब्बत है मोमिनो। ये चांद जिस पे रहमत हरदम निसार है, सदके है मोमिन इस पे फिदा रोजादार है। ये हुक्मे मुस्तफा भी है हुक्मे खुदा भी है, फरमाने हक भी मर्जी शाहे खुदा भी है। मोमिन हो तुम तो पासे शरीयत रहे तुम्हें, और इसके साथ शौके इबादत रहे तुम्हें। आता है ये महीना तिलावत के वास्ते, अल्लाह के कलाम की चाहत के वास्ते, अल्लाह के कलाम की चाहत के वास्ते, अल्लाह के कलाम की चाहत के वास्ते। नसीब है अल्लाह के करम से वो बेहद करीब है। रोजे खुदा के लुत्फो करम का जहूर है, ये दिन का उजाला है तो ईमान का नूर है। ये रोजे जो हर एक मुसलमान पे फर्ज है, हर बालिग और साहिबे ईमान पे फर्ज है। ये रोजे जिन पे दिल से फिदा रोजादार है, ये रोजे क्या है रहमत परवरदिगार है। रोजे हो जिनके पूरे वो ही रोजादार है, दिल से पढ़े नमाजे तो परहेजगार है। जो नेकियों से इस तरह दिल को सजाएंगे, हमको यकीन है कि वो जन्नत में जाएंगे, हमको यकीन है कि वो जन्नत में जाएंगे, हमको यकीन है कि वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत के रास्ते से कभी मुँह ना मोड़ना, ऐ रोजादारो एक भी रोजा ना छोड़ना। आई है रोजाना कोई छूटे इसी में भलाई है। रोजा छूटा तो समझो रहे दीन छूट गई, और मान लो के दौलत ईमान लुट गई। वल्लाह रोजा रखने का बेहद सवाब है, और उसको छोड़ने का बहुत ही अजाब है। रोजा तो है जरूरी मुसलमान के लिए, रोजा है रोजादार की पहचान के लिए। ये हुक्मे शाहदी भी है हुक्मे खुदा भी है, ये रूहे बंदगी भी है जाने दुआ भी है। तुमको दिखाएगी ये दुआ ऐसा रास्ता, जिस रास्ते को कहते हैं जन्नत का रास्ता, जिस रास्ते को कहते हैं जन्नत का रास्ता, जिस रास्ते को कहते हैं।
रोजाना छोड़ना महीने की बेहद सईद है रखे जो तीस रोजे उन्हीं की तो ईद है वो ईद जिसका फितरा भी करते हैं सब अदा रोजा कबूल करता है उस वक्त ही खुदा ये रोजे आरजुए हसन और हुसैन है ये रोजे जो करार शहे मशरकैन है ये रोजे जो सहाबा की पहचान बन गए सरकार के घराने की ये शान बन गए रखते थे रोजे शान से सुल्ताने औलिया शेरे खुदा ने भी हमें पैगाम ये दिया शेरे खुदा ने भी हमें पैगाम ये दिया शेरे खुदा ने भी हमें पैगाम ये दिया रमजान महीने से यूं रिश्ता जोड़ना ऐ रोजादारो एक भी रोजा ना छोड़ना महीने में क्या फसल और आता उसकी खुदाए पाक की रहमत का ये महीना है बड़े करम का फजीलत का ये महीना है नबी पे उतरा है कुरान इसी महीने में के ताजा होता है ईमान इसी महीने में बड़ा सवाब है इस माह में इबादत का नुजूल होता है हर वक्त खुदा की रहमत का सिला नफील का मोमिन को बेहिसाब मिले हर एक नेकी पे सत्तर गुना सवाब मिले हर एक नेकी पे सत्तर गुना सवाब मिले हर एक नेकी पे सत्तर गुना सवाब मिले सत्तर गुना सवाब से तुम रुख ना मोड़े अदब हरम वाले ये शान और ये अजमत है इस महीने की
खुदा गवाह ये बरकत है इस महीने की। इसी महीने में एक रात ऐसी आती है हजार माह से बेहतर जो मानी जाती है। गवाह प्यारे खुदा का कलाम है इसका, वो एक रात शबे कद्र नाम है जिसका। ऐ बंदो मांगो शबे कद्र हक ताला से, मिलेगा फिर तो जो मांगोगे अपने मौला से। मिलेगा फिर तो जो मांगोगे अपने मौला से। सरफराजी भी वो रोजादार जिन्हें हक ने कामयाब किया, उन्हीं से शाहे मदीना ने ये खिताब किया। ऐ मोमिनों ये हकीकत है माह रमजा की, खुदा गवाह ये बरकत है माह रमजा की। हजारों न्यामतें ये अपने साथ लाता है कि इस महीने से शैतान खौफ खाता है। खुदा की खास इनायत है रोजादारों पर के रहमत भी फिदा है नबी के प्यारों पर। बहुत ही नेक है कामिल है खुश नसीब है ये, खुदा से और नबी से बहुत करीब है ये। खुदा से और नबी से बहुत करीब है ये। खुदा से और नबी से बहुत करीब है ये। फजले खुदा से मुँह ना कभी अपना मोड़ना। ऐ रोजादारो एक भी रोजा ना छोड़ना। चांद देखो देखो वो रंग का चांद, वो चांद।
हर सू ये बर्पा हुआ। चांद देखो नजर आ गया, शोर हर सू ये बर्पा हुआ। चांद देखो नजर आ गया, आसमान तरफ शाखा चांद, आसमान वल्ला किसी ने पढ़ा, जिसने देखा कहा मरहबा। कुल हो वल्ला किसी ने पढ़ा, है वो तंजीले कुरआन का चांद, है वो तंजीले कुरआन का चांद। देखो देखो वो रमजा का चांद, वो चांद दारों के चेहरे खिले, नेमतों के खजाने मिले। रोजादारों के चेहरे खिले, नेमतों के खजाने मिले। रोजादारों के चेहरे खिले, नेमतों शाने यज़दा का चांद, दौलत शाने यज़दा का चांद। देखो देखो वो रमज़ा का चांद, वो चांद घड़ी शानदार आ गई, मस्जिदों में बहार आ गई। क्या घड़ी शानदार आ गई, मस्जिदों में बहार आ गई। क्या घड़ी शानदार आ गई, मस्जिदों में बहार आ गई। जगमगाते ही दिशा का चांद, जगमगाते ही दिशा का चांद। देखो देखो वो रमज़ा का चांद, वो चांद Thank you.
एक दूसरे से कहें, सजदे शुक्र करते रहे। लोग एक दूसरे से कहें, सजदे शुक्र करते रहे। लोग एक दूसरे से कहें, सजदे शुक्र करते रहे। ओ मुबारक बहारा का चांद, ओ मुबारक बहारा का चांद, देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का असर अब तो आई है, रहमतों की घटाएं भी है। बासर अब तो आई भी है, रहमतों की घटाएं भी है। बासर अब तो आई भी है, रहमतों की घटाएं भी है। आ गया जा में इरफा का चांद, आ गया जा में इरफा का चांद, देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का चांद। अब मुसलमान न गफलत करे, बेझिझक अब इबादत करे। अब मुसलमान न गफलत करे, बेझिझक अब इबादत करे। अब मुसलमान न गफलत करे, बेझिझक अब इबादत करे। आ गया कैद शैतान का चांद, आ गया कैद शैतान का चांद, देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद शिश के सामा का चांद, है ये बख्शिश के सामा का चांद, देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद देखो देखो वो रंगा का चांद, चमकमा है महरूबा का चांद,
देखो देखो वो रंगा का चांद, वो चांद 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 देखो देखो वो रंगा का चांद।
कदम लड़खड़ा के थे, प्यारे नबी ने देखा ज़ईफ़ा का हालदार, बढ़ कर के जल्द आपने गठरी बोली उतार, बोले कहाँ को जाओगी अम्मा बताइए, गठरी में ले चलूंगा मेरे पीछे आइए, घर का पता बताया ज़ईफ़ा ने जिस घड़ी रख करके सर पे गठरी वो फिर चल दिए नबी, पहुंचा दिया ज़ईफ़ा को उसके मकान पर, रुखसत हुए हुजूर जो गठरी उतार कर, बोली ज़ईफ़ा कौन हो बेटा बताओ तू, रहते कहाँ हो बेटे हो किसके बताओ तुम, बोले हुजूर नाम मोहम्मद है अम्मजा, तू हाश नबी के वो कदमों पे गिर पड़ी, बोली नबी से मुझ पे ये एहसान कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझको मुसलमान कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझको मुसलमान कीजिए, कलमा पढ़ा के मुझको मुसलमान कीजिए, प्यारे नबी ने लुत्फ़ो करम उस पे कर दिया, प्यारे नबी ने लुत्फ़ो करम उस पे कर दिया, नबी हमको मिला है वो नबी हमको मिला है, 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 शहीदों के सुल्तान हो गए, ये सच है जो शहीदों के सुल्तान हो गए, ये सच है जो शहीदों के सुल्तान हो गए, ये सच है जो शहीदों के सुल्तान हो गए, ये सच है जो शहीदों के सुल्तान हो गए, ये सच है जो शहीदों के सुल्तान हो गए, जिसके नवाज दीन पे कुर्बान हो गए वो नबी हमको मिला है, 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 ये सच है जिसने दीन की इज्जत बचाई है, नबी हमको मिला है, वो 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 नबी हमको मिला है, क्या हो मिसाल उनकी वो जो बेमिसाल है, नबी हमको मिला है, वो 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 नबी हमको मिला है,
मई एक और वाकया समाज फरमाइएगा। वो नबी हमको मिला है, कैसा नबी है समाज फरमाइएगा। एक और काफिरा का सुनाऊं मैं वाकया, कितना हसीन पाक है किरदारे मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। जब भी गुजरते उसकी तरफ से मेरे नबी, छत से रसूल पाक पे कूड़ा वो डालती, कूड़ा वो डालती, कूड़ा वो डालती। सरकार कूड़ा झाड़ के देते उसे दुआ, मुस्तफा बढ़ जाते मुस्तफा, बढ़ जाते मुस्तफा। फिर कूड़ा डालने का हुआ सिलसिला जो बंद, अल्लाह के रसूल हुए दिल में फिक्रमंद, हुए दिल में फिक्रमंद, हुए दिल में फिक्रमंद। पूछा रसूल पाक ने औरत का हालदार, बतलाया लोगों ने के चढ़ा है उसे बुखार। आका मेरे गए जो आया तक को उसके घर, देखा बुखार तेज है हालत भी है निगर, हालत भी है निगर, हालत भी है निगर। सर पर नबी ने हाथ जो शफ़क़त से रख दिया, उस काफिरा को बख्श दी अल्लाह ने शिफा, शर्मिंदगी से बोली मुझे बख्श दीजिए, मैं हूँ कसूरवार, करम मुझ पे कीजिए, करम मुझ पे कीजिए, करम मुझ पे कीजिए। भारत वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, भारत वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, भारत वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। दिल से रसूल कुर्बान हो गई, वो नबी हमको मिला है, 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 वो नबी हमको मिला है। नबी हमको मिला है, वो 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 नबी हमको मिला है। आया न इस जहां में कोई आपसा नबी, आया न इस जहां में कोई आपसा नबी, आया न इस जहां में कोई नबी हमको मिला है, वो 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 नबी हमको मिला है। खुतबे वहीद देखो रसूल अनाम के, खुतबे वहीद देखो रसूल अनाम के, खुतबे वहीद
नबी हमको मिला है, वो नबी हमको मिला है, रसूल की कुरान की तर्जुमान है सीरत रसूल की। रसूल की अल्लाह जानता है हकीकत रसूल की। इसीलिए कहना है क्या, आप पहले सुन चुके हैं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुवत का ऐलान जब कर दिया, दूसरी वही आने तक आप हुजूर के बचपन में सुन चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। मोहम्मद मुस्तफा ने जूरबा बादे बहारी की, मोहम्मद मुस्तफा ने जूरबा बादे बहारी की, बहुकमे की बुरिया इस्लाम की तबलीग जारी की, बहुकमे हुक्मे की बुरिया इस्लाम की तबलीग जारी की, हुक्मे की बुरिया इस्लाम की तबलीग जारी की, हुक्मे की बुरिया इस्लाम की तबलीग जारी से मेरे आका ने इस्लाम की तबलीग जारी की है। मुलाहदा कीजिएगा सामईन, यहां से सीरत रसूल का पहला बंद। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मुझ पर वही आई, नबूवत मुझको अल्लाह पाक ने तफवीज फरमाई, खुदा वाहिद है मैं उसका नबी हूं, जान लो लोगो इबादत सिर्फ अल्लाह पाक को है, मान लो लोगो। बहुत बरहम हुए सब अहले मक्का फिर गए सारे, उन्हें बातिल ने घेरा और इसी में घिर गए सारे,
उन्हें कड़वी लगी ये बात, वो ईमान नहीं लाए। गए सब अपने अपने घर, मोहम्मद भी चले आए। वही नाजिल हुई महबूब मेरे, तुम न घबराओ, मिलेगी कामयाबी, काम तुम अपना किए जाओ। रसूले पाक ने एक दिन कबीले की ज़ियाफ़त की, खिलाया सबको खाना और आया सब पर हकीकत की। कहा लोगों से सबको, मजहबे इस्लाम लाया हूँ, खुदाए पाक की जानिब से अच्छा काम लाया हूँ। मेरी तहरीक दी में कौन मेरे काम आएगा, बताओ कौन है जो हाथ मेरा अब बटाएगा। किसी ने भी न करवट ली न दिल में बात को तोला, खामोशी छा गई महफिल पे कोई भी नहीं बोला। उठा दस साल का लड़का पढ़ा कलमा मोहम्मद का, उठा दस साल का लड़का पढ़ा कलमा मोहम्मद का, उठा दस साल का लड़का पढ़ा कलमा मोहम्मद का। कहा मैं आप पर कुर्बान अपनी जान कर दूंगा, कि मेरी इस दीन की तहरीक में कौन मेरे काम आएगा। सब खामोश हो जाते हैं, लेकिन एक 10 साल का लड़का उठता है और कहता है कि मैं आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। वो कौन था, समाप्त कीजिएगा। उड़ाया मजहका सबने यही बस तुमको काफी है, तो फरमाया रसूल अल्लाह ने ये फजले रब्बी है। ये फैलाएगा हक का नूर, बातिल को मिटाएगा, जरूरत पर यही बेशक हमारे काम आएगा। वो लड़का कौन था ऐसा, अबू तालिब का बेटा था, अली था नाम उसका, वो बड़ा तकदीर वाला था। कबीले वाले सब उठ कर गए ईमान नहीं लाए, गुलामे मुस्तफा फिर जैद भी ईमान ले आए। फिर उसके बाद हजरत बूबकर ने पढ़ लिया कलमा, जुबां पर आ गया उनके भी अब तौहीद का नगमा। जनाबे बूबकर ने लोगों को फिर राजदारी से मिलाया, लाके दौलत खाने पे महबूबे बारी से। जनाबे बिन अरस, अम्मार, अरकम और उबैदा भी मुसलमान हो गए, कुछ और भी जो उनके थे साथी। बहुत से बा असर लोगों को वो हलके में ले आए, पढ़ा कर दीन का कलमा उन्हें सब राग समझाए। इजाफा हो गया तबलीग से अल्लाह वालों में,
के 39 मोमिन हो गए थे 3 सालों में। लगा जब साल चौथा तो मोहम्मद पर वही आई के अब ऐलानिया लोगों को दो हक की शनासाई। रसूल अल्लाह ने ऐलान से तबलीग फरमाई, इबादत के लिए अल्लाह की एक जात बतलाई। कहा लोगों बुराई छोड़ दो और नेक बन जाओ, जिहालत छोड़ दो तो ही दुपर ईमान ले आओ। किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम, किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम, किया है जिसने पैदा बस उसी को सर झुकाओ तुम। मोहब्बत से मिलो सब से किसी को मत सताओ तुम, मोहब्बत से मिलो सब से किसी को मत सताओ, मोहब्बत से मिलो सब से किसी को मत सुनकर अहले मक्का ने सितम फिर और भी ढाए, जो ईमान ला चुके थे तीर पत्थर उन पे बरसाए। अरब की सरजमी पे मेले लगते थे बहुत भारी, किया करते थे मेलों की बहुत पहले से तैयारी। पे तबलीग हक मेलों में जब सरकार जाते थे तो मक्के वाले सब दीवाना जादूगर बताते थे। लगा जब फैलने दीने मोहम्मद शहरे मक्का में, मुसलमानों पे तोड़ा जालिमों ने कहर मक्का में। किसी को मारा पीटा और तपती रेत पर डाला, किया जख्मी किसी को जालिमों ने छेद कर भाला। किसी मोमिन के सीने पे गरम पत्थर की सिल रखी के जिससे जख्म गहरे हो गए और बह गई चर्बी। किसी को गर्म लोहे की सलाखों से गया दागा, बहुत से जुल्म ढाए पर नतीजा कुछ नहीं निकला। मुसलमान हौसले के साथ सारे जुल्म सहते थे, खुदा को याद करते थे जुबां से कुछ ना कहते थे। हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर, हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर, हमारे जानो दिल कुर्बान है दीने मोहम्मद पर।
मुसलमान हो गए थे, उन जालिमों ने उन पर बड़े बड़े जुल्म ढाए, लेकिन उनका कहना क्या था जो लोग मुसलमान हो चुके थे कि हमारा हौसला हावी रहेगा जुल्मे बेहद पर, क्योंकि हमारे जानो दिल कुर्बान हैं दीने मोहम्मद पर। उसके बाद आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा। रसूल अल्लाह जब सजदे में अपना सर झुकाते थे तो लाकर ओझड़ी ऊंटों की उन पर डाल जाते थे, जिगर पत्थर के थे उन जालिमों के दिल भी पत्थर के, सताते थे रसूल अल्लाह को दिन रात जी भर के। रसूले पाक थे एक रोज बैठे बाबे काबा पर के आकर बूजहल ने सर में मारा जोर से पत्थर, लहू बहने लगा सरकार घर तशरीफ ले आए, खदीजा ताहिरा और फातिमा ने अश्क बरसाए, किसी ने हजरते हमजा को दे दी ये खबर जाकर, भतीजे के तुम्हारे बूजहल ने मारा है पत्थर। ये सुनकर हजरते हमजा को आया तैश और दौड़े, मिसाले शेर गुस्से में दरे काबा पे जा पहुंचे, कमा जब जोर से मारी सरे बूजहल के ऊपर, लहू बहने लगा सर से वो जख्मी हो गया खुद सर, कहा हमजा ने जो मेरे भतीजे को सताएगा तो आइंदा भी मेरे हाथ से वो मार खाएगा। गए फिर पास महबूबे खुदा के ये कहा जाकर, भतीजे खुश होके बूजहल का मैं फोड़ आया सर, कहा सरकार ने इससे मुझे राहत नहीं पहुंची, अगर ईमान लाते आप तो मुझको खुशी होती। कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ, कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ, कहा हम जान लो ये बात भी मैं मान जाता हूँ, खुदा पर और तुम पर मैं अभी ईमान लाता हूँ, हमजा जो अबू जहल को जख्मी करके सर फोड़ कर आए, सरकार से कहा कि मैं भतीजे जिसने तुझे सताया था उसका सर फोड़ कर आ रहा हूं, हुजूर कहते हैं कि इस बात से मुझे कोई राहत नहीं मिली, अगर आप ईमान ले आते तो मुझे खुशी होती। आपकी यह बात सुनकर हजरत हमजा भी ईमान ले आते हैं और क्या कहकर कलमा पढ़ते हैं, समाप्त फरमाइएगा सामईन। ये कहकर पढ़ लिया हमजा ने भी तौहीद का कलमा, फजा में गूंज उठा दीन की ताईद का कलमा, नबी ने होके खुश उनको लगाया अपने सीने से, के सीना पाक उनका कर दिया दम भर में कीने से,
खबर मक्के के लोगों को मिली तो बैठ कर सोचा, यूं ही बैठे रहे तो शहर में इस्लाम फैलेगा। यही होने लगा हर एक घर में तज़किरा बाहम, गरज कुछ रोज गुजरे तो हुआ ये मशवरा बाहम। कबीले के मुदब्बिर लोग अबू तालिब को समझाएं, वो समझाएं मोहम्मद को, नहीं तो उनसे हट जाएं। वफद इकले के उतबा बिन रबिया बात करने को, अबू तालिब के घर पहुंचे खुलासा बात करने को। अबू तालिब से उतबा ने कहा समझे नतीजे को, हमारे दीन की तजलील से रोको भतीजे को। न माने जो तुम्हारी बात तो तुम साथ मत देना, पढ़े कैसे ही मुश्किल हाथ में तुम हाथ मत देना। अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, अगर इस फैसले से आप अपने मुंह को मोड़ेंगे, हम ही क्या अहले मक्का सब तुम्हारा साथ छोड़ेंगे। सब इकट्ठे होकर आपके चचा हजरत अबू तालिब के पास आए, कहने लगे कि अपने भतीजे को रोकिए इस दिन की तबलीग से, वरना फिर हम जो लोग कुछ करने वाले हैं आप उसमें बिल्कुल मत बोलना। हजरत अबू तालिब ये सुनकर हुजूर के पास आते हैं और क्या कहते हैं, समाप्त कीजिए। अबू तालिब ये सुनकर घर में घबराते हुए आए, नबी ये मोहतरम को कौम के अल्फाज समझाए। कहा प्यारे भतीजे दीन की तहरीक रहने दो, कि अब मक्के के माबूदों की तुम तजहीक रहने दो। तमामी शहर दुश्मन है बताओ क्या करूंगा मैं, अकेला हूं बताओ जंग किस किस से लड़ूंगा मैं। चचा की बात सुनकर अश्क आंखों में उतर आए, अबू तालिब ने देखा हाल जो ये दिल में घबराए। कहा प्यारे भतीजे किस लिए तुम गम रसीदा हो, कभी इस हाल में देखा नहीं क्यों आप दीदा हो। ये फरमाया नबी ने तुम मोहब्बत छोड़ दो मेरी, खुदा मेरा निगहबान है हिमायत छोड़ दो मेरी। ये सुनते ही अबू तालिब का दिल एकदम से भर आया, भतीजे को लिया आगोश में और रो के फरमाया, जो कुछ करना है तुम करते रहो मैं साथ हूं बेटा, तुम्हारा खैर पा हर हाल में दिन रात हूं बेटा। नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा, नबी बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा। चरागे दीन हक इन आंधियों से बुझ न पाएगा, चरागे दीन हक इन
बोले खुदा का फजल हर सू फैल जाएगा और चरागे दीने हक इन आंधियों से बुझ ना पाएगा। उसके बाद क्या होता है सामीन सुने, जो दिल में जलवाए तौहीद के जज्बे मचल आए, वफद से बात करने मुस्तफा बाहर निकल आए, कहा उतबा ने ऐ प्यारे मोहम्मद हमको बतलाओ, बहुत अच्छे थे अब तक क्या हुआ है हमको समझाओ, तुम अपने मुंह से अनदेखे खुदा को अच्छा कहते हो, हमारे ला तो उज्जा को हुबल को झूठा कहते हो, किसी आसेब का तुम पर असर है या है बीमारी, किसी का इश्क है या चाहते हो खास जरदारी, हुकूमत की तमन्ना है तो तुमको ताज पहनाए, जो दौलत चाहते हो तो जवाहर तुमको ले आए, मर्ज है कोई तो बुलवाए हम अच्छे हकीमों को, हसीना की जरूरत है तो ले आए हसीनों को, कोई जिन है तो हम अच्छे से आमिल को बुलाते हैं, नुजूमी कहानों को आपकी हालत दिखाते हैं, मोहम्मद मुस्कुराए और ये उतबा से फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है तुमने कुछ ऐसा कभी पाया, मेरे एक हाथ पर सूरज रखो एक में कमर दे दो, मुझे दुनिया की सारी बादशाहत मालो जर दे दो, मगर बीती ने हकी हर तरफ सम में जलाऊंगा, मैं फिर भी दीने हक की हर तरफ सम में जलाऊंगा, मैं फिर भी दीने हक की हर तरफ सम में जलाऊंगा, सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा, 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 सदाकत का उजाला करके बातिल को सारे लोग मेरे आका से कहते हैं कि अगर आपको हुकूमत चाहिए तो आपको हुकूमत दे दें, दौलत चाहिए तो दौलत दे दीजिए, लेकिन मेरे आका कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दो और मुझे दुनिया की सारी बादशाहत दे दो, मालो जर दे दो, लेकिन मैं फिर भी दीने हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा और सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा, उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामीन, वफद वापस गया सरकार फिर ताइफ में जा पहुंचे, वहां के लोगों को जाकर सुनाए
दीन के कलमे। पसंद आई न बातें उनको सरकारें दो आलम की, तो टोली जालिमों ने बुत परस्तों की मुनज्जम की। सभी ने मिलके पत्थर इस कदर बरसाए आका पर, सरे अकदस का खून बह कर भरा नालैन के अंदर। गिरे सरकार गश खा कर तो जैद उनको उठा लाए, किसी चश्मे पे धोकर जख्म बांधी पट्टियां फाए। रसूल अल्लाह को जाहिद ने जिस दम होश में पाया, तो होकर चश्म नम जाहिद जुबां पर लफ्ज ये लाया, मेरे आका रसूलों की दुआ खाली नहीं जाती, के रब से अंबिया की इल्तिजा टाली नहीं जाती। कभी भी रब के पैगंबर ने जब भी बद्दुआ की है, खुदाई कहर ने दुश्मन को दुनिया में सजा दी है, तो फिर तो आप शाहे अंबिया महबूबे दावर हैं। के बाद की बुरिया दोनों जहां में सबसे बढ़कर हैं, मेरे सरकार अपने दुश्मनों को बद्दुआ कीजिए, के ताइफ के शरीरों को शरारत की सजा दीजिए। दुआ को हाथ उठाकर ये कहा सरकार ने, या रब सताया है मुझे ताइफ के जिन कुफार ने, या रब मैं उनको दरगुजर करता हूँ तू भी दरगुजर फरमा। वो दीने हक को पहचाने उन्हें ऐसी नजर फरमा, तू उन पर रहमतों की बारिश कर दीनदारी दे, तू उन पर रहमतों की बारिश कर दीनदारी दे, तू उन पर रहमतों की बारिश कर दीनदारी दे, उन्हें खुशहालियां कर दे अता बाधे बहारी दे, सरकार ने उन दुश्मनों को भी दुआएं दी हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म किए थे, लेकिन जैद बिन हारिस आपसे क्या फरमाते हैं समाप्त कीजिएगा। कहा ये जैद बिन हारिस ने दुश्मन को दुआएं दी, मेरे आका नहीं क्यों दुश्मनों को बद्दुआएं दी। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, काहिर नहीं हूं मैं, खुदा का फजल है के रहमत लिल आलमी हूं मैं। रसूल अल्लाह फिर तायफ से मक्के में चले आए, उन्हें फिर कत्ल करने को उमर लोगों ने बुलवाए। उमर ने फिर किया दावा नबी का सर उतारेंगे, जो दाखिल हो चुके इस्लाम में उनको भी मारेंगे। गए तलवार नंगी लेके रस्ते में खबर पाई, तुम्हारे बहन बहनों ही भी हैं इस्लाम के दाई। गए वो बहन बहनोई के घर गुस्से की हालत में,
बहन बहनोई थे मसरूफ कुरान की तिलावत में। उमर ने मार दोनों को लगाई कर दिया जख्मी। कहा इस्लाम छोड़ो बात मत मानो मोहम्मद की। बहन बोली इरादा पूरा कर लो जुल्म बेहद का। न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। उमर ने फिर नहा कर ले लिया कुरान नजर डाली। नजर आया उन्हें कुरान में जब जलवे रब्बी। गए तलवार नंगी लेके दरबारे रिसालत में। ये फरमाया नबी ने क्यों तगैयुर आया नियत में। असल कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। असर कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। असर कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। उमर ने सिद्क दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। जब हजरत उमर ईमान ले आए तो उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। उमर को मिल गए अल्लाह की तौहीद के साए। ये उनकी खुश नसीबी थी कि वो ईमान ले आए। मगर बू जहल उसके हम नवा हक पर नहीं आए। बहुत से मोजिज़े देखे मगर ईमान नहीं लाए। हुए टुकड़े कमर के कंकरों ने भी गवाही दी। शजर ताजीम को सजदे में आए शाहे बतहा की। सनम भी कह उठे बेशक मोहम्मद है रसूल अल्लाह। कभी मेराज पर भी वो यकीन लाया नहीं बदखा। रसूले पाक की जानिब से उसके दिल में कीना था। हकीकत में वो नारी था बड़ा काफिर कमीना था। हजरत ये सीरत रसूल तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने मौजज़े शेरों में कहे हैं इन बहुत सारे मौजज़ात को यकजा करके इकट्ठा करके हमने मौजज़ाते रसूल के नाम से भी एक कैसेट किया है और वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके सामने आ रहा है इस कैसेट के फौरन बाद। और मेराज रसूल यानी हुजूर को किस तरह मेराज हुई है ये भी पूरा वाकया हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये कैसेट मार्केट में आ चुका है मेराज रसूल के नाम से। आप इसको भी सुनिएगा पूरा मेराज का वाकया और आगे क्या क्या होता है ये आप सुनते जाइएगा इंशाल्लाह। अगर हुजूर की सीरत इस कैसेट में पूरी नहीं हुई तो हम अगले कैसेट में इंशाल्लाह आपको हयात रसूल के नाम से एक कैसेट और पेश करेंगे और उसमें आगे का सारा वाकया बयान करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हुजूर की पूरी सवान हयात हम बयान करते जाएं और आप लोग सुनते जाएं। खुदा हमारी ये तमन्ना पूरी करे, आमीन। सुनिए। रसूले पाक की जानिब से उसके दिल में कीना था। हकीकत में वो नारी था बड़ा काफिर कमीना था। खुदा ने कल्ब पर उसके लगा दी मुहर बातिल की। पड़ा पीनाई पर पर्दा समात भी गई सारी। जो अहले हक थे उस तालिम ने फिर मिल कर सितम ढाए। नबी से कुल ताल्लुक तर्क के मंसूबे ठहराए।
सारी साल ने का सबसे लिया इकरार जालिम ने बनाया अहदनामा पुरजफा खूंखार जालिम ने उसने सारी शर्तें लिखकर एक अहदनामे पर और सबसे ये कौल कराया क्या कराया कौल ये सबसे मोहम्मद अब नहीं कोई मदद कैसी भी उनकी कर नहीं सकता कहीं कोई न कोई चीज देंगे उनको और उनके कबीले को न मानेंगे वो जब तक ला तो उज़्ज़ा के वसीले को जो ईमान ला चुके हैं इब्ने अब्दुल्ला के मजहब पर हमारा लेना देना खाना पीना बंद है सब पर ताल्लुक जो कबीले वाले रखें अब मोहम्मद से निकल जाएं वो उनके साथ मक्का शहर की हद से रहें शोबे अबी तालिब की घाटी में सभी जाकर रहें वो अपने माबूद हकीकी के भरोसे पर हमें अब देखना है किस तरह जिंदा रहेंगे वो मुसीबत 3 सालों तक भला कैसे सहेंगे वो मरेंगे भूख से देखेंगे जब सर पे बलाओं को तो फिर तस्लीम कर लेंगे हमारे सब खुदाओं को कराए अबू जहल ने दस्तखत इस अहदनामे पर किया फिर बंद एक चमोड़े की थैली में वो सिलवा कर दरे काबा के कुंडे में उसे लटका दिया चढ़कर नकल जो उसकी थी उसको सुनाया घर ब घर पढ़कर मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए सभी को साथ लेके आप बस्ती से निकल आए साथ लेकर आप बस्ती से निकल आए लेकिन लगाया घाटी पे पहरा के कोई कुछ न दे जाए मुसाफिर कोई बाहर से जो आए वो न मिल पाए मुसलमान साथ अपने लाए थे जो खाने का सामान हुआ वो खत्म कुछ मुद्दत में सब ले इन्ना थे नाला बढ़ी जब भूख की शिद्दत तो मुंह तक ने लगे बच्चे तड़प कर माओ की गोदों में तब मरने लगे बच्चे मुसलमान सह रहे थे सब्र से सारी बलाओं को
मगर आने न देते थे लबों तक गम की आहों को। रसूले पाक से जब सब्र की तलकीन मिलती थी तो इस हालत में भी सबके लिए तसकीन मिलती थी। इसी सूरत से गुजरी तीन साले चरख थर्राया। रसूले पाक ने हजरत अबू तालिब से फरमाया, चचा काबे पे जाकर ये खबर दो पदनिहातों को, किया नाकाम अल्लाह ने तुम्हारे बद इरादों को। तुम्हारा अहदनामा खा लिया दीमक ने अब सारा, बचा है नाम मेरा और खुदा का कर लो नजारा। कहा जाकर अबू तालिब ने तो बू जहल इठलाया, तमामी अहले मक्का को दरे का बाप ले आया। कहा ये झूठ है तो वो पयंबर हो नहीं सकते, हमारे तीन आबाई से बढ़कर हो नहीं सकते। जो देखा खोल कर उसमें न बाकी कोई नुक्ता था, जो देखा खोल कर उसमें न बाकी कोई नुक्ता था, जो देखा खोल कर उसमें न कोई बाकी नुक्ता था। खुदा का नाम और नामे रसूल अल्लाह लिखा था, पहले दरे काबा पर जो अहदनामा सबके दस्तखत करके लगाया गया था, लेकिन तीन साल के बाद हुजूर फरमाते हैं अपने चचा अबू तालिब से कि जाकर कह दो कि तुमने जो अहदनामा वहां दरे काबा पर लटकाया था वो सारा दीमक खा गई है, उसमें सिर्फ मेरा नाम और मेरे खुदा का नाम बाकी है। जब देखा गया तो उसमें से सब कुछ गायब था, सिर्फ रसूल अल्लाह और खुदा ताला का नाम बाकी था। उसके बाद क्या होता है सामईन सुनिएगा। ये मंजर मोजिजे का देख कर तोड़ा करार अपना, तो मुंह अपना सा लेकर रह गए सब नाबुकार अपना। फतह हासिल हुई हक को हजीमत पाई बातिल ने, अकलमंदों को होश आया न खोली चश्मे गाफिल ने। रसूल अल्लाह फिर घाटी से मक्के में चले आए, जो उनके साथ में थे उन सभी को साथ में लाए। तजब्जब में थे जो उनमें से कुछ ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमानों में गूंजा नगमे तौहीद का नारा। अबू जहलाज शर्मिंदा था फिर भी बरगलाता था, नबी के मोजिजे को शहर में जादू बताता था। अबू लहब और उतबा बिन रबिया और अबू सुफियां मिटाने के लिए इस्लाम को फिर से हुए कोशां। बुलाया शहर के सारे कबीलों को किया जलसा, दिया सबके लिए अबू जहल ने ये मशवरा अपना कि एक एक आदमी हर एक कबीले से लिया जाए।
अबू तालिब के घर पर रात भर पहरा दिया जाए। मोहम्मद जब भी निकले घर से उनको कत्ल कर डालो। बताओ है तुम्हें मंजूर ये लातो हो बलवा लो। कहा सबने हमें मंजूर है हम कत्ल कर देंगे। न होगा खत्म जब तक दीन अहमद दम नहीं लेंगे। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। नहीं तो टूट जाते सब जरा से एक इशारे पर। हमारे हुजूर को कत्ल करने का प्लान बनाया माजल्ला, लेकिन जो हिजरत कर गए थे हबशा को वो भी पलट आए। कहीं ऐसा ना हो मक्के पे उनका दखल हो जाए। गरज सब एक हो कल रात में निकले तबाही को। इरादा करके पुख्ता कत्ले महबूबे इलाही को। अबू तालिब भी अब दारुल बका को हो गए राही। नबी को छोड़कर मुल्के अदम पहुंची खदीजा भी। लगाया शहर की गलियों के हर एक मोड़ पर पहरा। कोई जब रात आधी तो अंधेरा हो गया गहरा। मुसल्ला हो के पहुंचे वो दरे सरकारे आलम पर। चढ़ाई कर दी जाके घर पे सरकारे तो आलम के। रहे इस घात में जब घर से निकलेंगे इबादत को। तो फिर सब कत्ल कर डालेंगे मिलकर जाने रहमत को। इधर इस खुफिया साजिश की खबर दी हक ताला ने। तो फरमाया अली से अपने घर में शाहे बतहाने। मैं हिजरत करके जाता हूँ बहुक में रब मदीने को। बताना मत किसी को तुम मेरे बिस्तर पे आ लेटो। अमानत जो हमारे पास है इन अहले मक्का की। उन्हें पहुंचा के वापस राह लेना तुम भी तैबा की। रसूल अल्लाह ने यासीन सूरत की तिलावत की। के थोड़ी खाक पढ़कर दुश्मना ने दीन पर फेंकी। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए। रसूले
जब मेरे आका को उन सब लोगों ने घेर लिया हजरत अबू तालिब के मकान में, मेरे आका हजरत अली से कहते हैं कि मैं निकलता हूँ। आपने सूरह यासीन पढ़कर थोड़ी सी खाक उन जालिमों के मुंह पर फेंकी और वो सारे नींद में खो गए। आप निकल आते हैं हजरत अबू बकर के घर और उसके बाद कहाँ जाते हैं समाप्त कीजिएगा। कहा अबू बकर से हिजरत करूंगा मैं मदीने को, किनारे पर लगाना है नबूवत के सफीने को। कहा अबू बकर ने सरकार में भी साथ चलता हूँ, मैं घर से आप पर कुर्बान होने को निकलता हूँ। लिया एक ऊँटनी को जिस पे दोनों ने सवारी की, जुदाई पर जमी रोने लगी महबूबे बारी की। दरो दीवार मक्का के शजर सब फूट कर रोए, नजारे आज मक्का के नबी से छूट कर रोए। वतन वालों की खातिर जो रहा साया फिगन होकर, यतीमी में चला परदेश को वो बेवतन होकर। चचा का सर से साया उठ गया था अब वतन छूटा, गई बीवी भी इस दुनिया से घर उजड़ा चमन छूटा। अंधेरी रात थी घर से जुदा सरकार होते थे, आलम में शहरे मक्का के दरो दीवार रोते थे। बहसरत आप काबे का नजारा करते जाते थे, वतन के छूटने का गम गवारा करते जाते थे। हजरत किस तरह से आप गारे सौर में पहुंचे और ऊटनी से उतर कर उसके बाद किस तरह गारे हिरा में पहुंचे। गारे हिरा में एक सांप जो आपके देखने का मुंतजर था, वो आपको देखने के लिए क्या क्या तरकीबें करता है, ये सारा ही वाकया हम हयात रसूल में पेश करेंगे। इस कैसेट के बाद आप हयात रसूल भी सुनिएगा और उसका भी लुत्फ लीजिएगा। लेकिन ये आखिरी बंद मुलाहजा फरमाइए। जो गारे सौर पर पहुंचे तो ठहरे शाहे पैगंबर, उतर कर ऊंटनी से दोनों पहुंचे गार के अंदर। नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे, नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे, नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे। इधर इस गार में अबू बकर और सरकार बैठे थे, इधर इस गार में अबू बकर और सरकार बैठे थे, इधर इस गार